हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली की आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपको बहुत ही अच्छी, सुखमय और सेहत भरी हो, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेडरूम की टूर, जो आप ही के डिमांड पर मैं ये वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। आप सभी ने कहा था तो इसीलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मगर एंड तक ज़रूर देखना। आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर काम आती है इस वीडियो की तो मेरे लिए तो वो अच्छी ही बात होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं मेरी बेडरूम की टूर। फ्रेंड्स, इस तरह से किचन में से एंट्री होती है मेरे बेडरूम में। तो ये है बेडरूम का डोर और इसके ठीक पीछे मैंने यहाँ पर इस तरह से ये हैंगर लगाया हुआ है, हुक वाला, जिसपे मैं इस तरह से स्टॉल, स्कार्फ और कुछ है फेस मास्क लगाए हुए हैं, अटकाए हुए हैं वहाँ पे, और कुछ पजामे भी है। तो इस तरह से हम जगह जो है वो अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, दरवाजे के पीछे की भी। और यहाँ उसके सामने यहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी है, उसके पीछे की भी जगह मैंने कुछ इस तरह से यूज़ की है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये बच्चों का स्टडी का ब्लैक बोर्ड मैंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है और उसके नीचे ही पीछे की साइड अलमारी के ये कैरम बोर्ड रखा हुआ है इस तरह से। और ये है यहाँ पर ये बड़ी सी अलमारी, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस बच जाती है। तो वहाँ पर मैंने इस तरह से ये सूटकेस रखा हुआ है, जैसे कि अभी ट्रेंड में जो साड़ियाँ है और वो मैं कभी कभार पहनती हूँ, तो वो साड़ियाँ जो है मैंने इस वाली जो ये ट्रॉली है उसमें रखी हुई है। और ये जो कबर्ड है, ये ऊपर वाली जो शेल्फ है ये मेरे हस्बैंड की होती है। यहाँ पर हम ज़्यादातर हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके कुछ काम की चीज़ें होती है, तो यहाँ पर बस हम स्त्री के जो कपड़े होते हैं वही रखने आते हैं, बाकी इस कबर्ड में हाथ नहीं लगाते। ये सभी वो खुद अपने हाथ से ही सब मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर उनके जो पजामे वगैरह जो रोज़ ही डेली यूज़ में यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं, और ऑफिस के कपड़े रखे हुए, और ये जो छोटी बास्केट है इसमें रुमाल और फेस मास्क रखे हुए हैं, और ये जो ट्रॉली है इसमें मैंने उनके कुर्ते और धोती वगैरह जो पूजा में पहनी जाती है वो रखे हुए हैं, उनके कुछ ज़रूरी कागजात और रखे हुए इन डब्बों में, और उनकी जो डेली लेने वाली जो टैबलेट्स होती है मेडिसिन वो यहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरह से उनकी ये अलमारी उन्होंने इस हिसाब से अरेंज की है। और ये जो उसी अलमारी की नीचे वाली जो शेल्फ है वहाँ पर इस तरह से मैंने बच्चों के जो स्कूल की किताबें हैं वो इस तरह से रखी हुई है। ये भी शेल्फ जो है वो बच्चे ही उन्हें जिस तरह से चाहिए उस तरह से मैनेज रखते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सभी बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई है इस अलमारी में। तो ये अलमारी पूरी इस तरह से यूज़ हुई है। और ये दूसरी वाली बड़ी सी जो अलमारी है इसमें जो अलमारी है ये पूरी मेरी ही है, मेरे साड़ियाँ और ड्रेसेस इसमें रहती है, और कुछ कुछ जो है बच्चों की भी है। और वो ऊपर वाली जो बैग है उसमें मेरी और मेरी बेटियों की, दोनों बेटियां मेरी, उन दोनों के लहंगे, हम तीनों के ही लहंगे वहाँ पर हेवी जो होते हैं वो रखे हुए उस वाले बैग में। और यहाँ पर ये अलमारी खोलते ही जो दरवाजे में ये मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह इस तरह से हैंग करके रखे हुए हैं। और ये जो पर्स दिखाई मैंने, ये साड़ी पे ली जाती है तो वहीं पे साड़ी वाले सेक्शन में ही रखी हुई है, और वो ऊपर की साड़ियाँ जो है वो डेली यूज़ में आती है तो वो ऊपर रखी है कुछ इस तरह से तह करके। और ये जो है कभी कभार पहनी जाती है, और ये अभी दिवाली की साड़ियाँ है नई तो वो ऊपर रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने ये साड़ियाँ इस तरह से फोल्ड करके रखी हुई है। और ये जो बैग मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस तरह से ब्लाउजेस होते हैं उनके लिए होते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से बैग में हम अगर ब्लाउजेस प्रेस करके रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसकी चेन भी है, और इसमें ये
इस तरह से हमें कौन सा ब्लाउज़ चाहिए उस तरह से हम इसमें से देखकर निकाल कर ले सकते हैं, तो बहुत ही हैंडी हो जाता है इस तरह से रखने से। और ज़्यादा मैंने अलमारी में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ करके नहीं रखी है, जो कपड़े मुझे चाहिए वही मैं अभी पहन रही हूँ, वही कपड़े मैंने यहाँ पर अलमारी में रखे हुए है। बाकी जो मैं कभी कभार महीने दो महीनों में पहनती हूँ वो मैंने सभी जो है जो मेरी बेड है उसमें छोटी वाली बैग में भरकर रखी हुई, लगभग 2 से 3 बैग मैंने भरकर वहाँ पर साड़ियाँ रखी हुई है, और यहाँ पर जो मुझे चाहिए वही साड़ियाँ रखी हुई है और कुछ पेटीकोट्स रखे हुए हैं। और उसी अलमारी के नीचे ये शेल्फ बनी हुई है, तो वहाँ पर ये शेल्फ जो है वो सभी शेल्फ में मैंने शेल्फ लाइनर जो होता है वो लगवाया हुआ है। और ये मेरी बड़ी वाली जो बेटी है उसके वो जब 2 साल की थी तब की ये फ़ोटोज़ है, तो यहाँ पर सभी जो बच्चों के हमारे सभी फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, तो उनके बर्थडे के वो सब भी हम फ़ोटोज़ जो है वही वो इसी वाले ड्रॉअर में रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है वो हमेशा मांगते ही रहते हैं, तो उन्हें देखने के लिए मैं इस तरह से वो उनके उन्हें लेने के लिए हैंडी हो जाए इस तरह से इसी वाले ड्रॉअर में रखती हूँ। और ये एल्बम जो है ये हमारी शादी की एल्बम है, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी शादी की एल्बम है, ये मैं और मेरे हस्बैंड, ये देखिए मेरे हस्बैंड कुछ इस तरह से दिखते थे पहले 11-12 साल पहले, और मैं इस तरह से, तो ये वाली जो है ये हमारी शादी की एल्बम है। तो किसी और दिन आपको डिटेल में ये एल्बम दिखाऊंगी शादी की भी, तो इस तरह से ये शादी की एल्बम और बाकी सभी एल्बम्स जो है मैं ये नीचे वाला जो ड्रॉअर है वहीं पर रखती हूँ। अब ये क्लोज कर दूंगी, और ये उसके साइड में ये ड्रॉअर दी हुई है इसमें भी मैंने जो है वो शेल्फ लाइनर लगाया हुआ है, मैंने इसमें नहीं लगाया हुआ है, तो इसमें मैंने इस तरह से पेपर रखा हुआ है और सभी सामान इस तरह से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा की जो ग्रोसरी होती है जैसे कि सोफ, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कुछ लोशन वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभार, तो वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो शेल्फ है इसके पीछे सभी मैं और मेरी बेटी, दोनों बेटियों के हमारे सभी बैंगल्स, जो ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नेल पेंट, क्लचर्स, सब कुछ इस तरह से मैंने रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से रखती हूँ मैं ये सभी। तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसी दिन मैं आपको ज़रूर ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहीं पे मैंने ये स्ट्रेटनर रखा हुआ है, और स्ट्रेटनर के नीचे ये जो छोटी वाली शेल्फ है उसमें सभी नेल, मेरी वाली जो लिपस्टिक वगैरह, छोटा छोटा सामान, बॉबी पिन्स वगैरह वो सब रखी हुई है। इस तरह से ये वाली शेल्फ जो है वो सभी हमारे मेकअप ज्वेलरी से भरी हुई है। और उसके बाद ये जो उसके बगल वाली जो शेल्फ है उसमें इस तरह से मैं दरवाजे में जो है मैंने ये बेल्ट्स अटकाए हुए हैं हुक में, और ये सभी ड्रेस है, ये जो ऊपर की कैरी बैग में जो ड्रेस है वो दिवाली के अभी के नए ड्रेस है वो ऊपर रखे हुए है। बाकी सभी ड्रेस में इस तरह से हमेशा ही इस्त्री करके यानी कि प्रेस करके फोल्ड करके इस तरह से तह लगा कर रखती हूँ, तो लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह से हम अगर सभी मैनेज रखते हैं तो। उसके बाद जो नीचे वाली शेल्फ है वहाँ पे मैंने सभी अपने नाइट वेयर के कपड़े रखे हुए हैं, जैसे कि नाइट गाउन वगैरह या फिर पजामा, नाइट सूट वगैरह सब वो यहाँ पर रखे हुए हैं एक शेल्फ में। और उसके नीचे वाली जो शेल्फ है वहाँ पर मैंने ये कुछ जीन्स है मेरी और उस पर जो टॉप होते हैं वो रखे हुए हैं, तो इस तरह से इस वाली अलमारी में ये सब मैंने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। और उसी अलमारी के नीचे इस तरह से ये शेल्फ बनी हुई है, यहाँ पर मैं सभी अपनी DIY जो ब्यूटी रिलेटेड जो भी सामान है वो यहाँ पर रखती हूँ, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ईवॉन टैबलेट्स, बादाम का तेल, वो इस तरह से यहाँ पर रखती हूँ इस वाले ड्रॉअर में, उसी से रिलेटेड सभी सामान वहाँ रखती हूँ। और यहाँ पर है ये बड़ी सी विंडो, कर्टन्स से इस तरह से मैंने
कवर की हुई है। वहाँ पर है एसी ऊपर, और ये जो कबर्ड है यहाँ पर बच्चों के जो सामान है उनके कपड़े वगैरह वो रखे हुए हैं। यहाँ पर ये हीटिंग बैग वगैरह एक्स्ट्रा का सभी सामान यहाँ पर रखती हूँ, और यहाँ पर है बच्चों के कपड़े वो भी मैं इस तरह से हमेशा ही मैनेज रखती हूँ। तो ये जो है ये बच्चों के अभी के दिवाली के कपड़े हैं नए वाले, और ये पुराने वाले हैं। इस तरह से प्रेस करके ये भी मैं इस तरह से तह लगा कर ही रखती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और ये कुछ लहंगे इस तरह से मैंने ऊपर निकाल कर रखे बच्चों के लिए मेरे दोनों ही। तो ये कपड़ इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं, और उसके सामने ही ये मैंने यहाँ पर रखा है डेस्कटॉप, और ये फूल इस तरह से, और ये टेबल जो है डेस्कटॉप के उसके नीचे इस तरह से मेरा जो भी शूटिंग रिलेटेड जो भी सामान होता है वो रखा हुआ है। और ये है वेइंग मशीन, तो ये भी मैं यहीं पर रखती हूँ, हैंडी हो जाता है। और यहाँ पर कुछ बच्चों के टॉयज रखे हैं, सॉफ्ट टॉयज वगैरह, बहुत से टॉयज जो है बच्चों के मैंने कटआउट किए हैं और कुछ साइड में रख दिए हैं, तो इतने ही मैंने अभी यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है साइड टेबल बेड का, जहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। और ये वाली ड्रॉअर जो है वो मैंने कुछ इस तरह से मैनेज की हुई है, जो मोबाइल के बॉक्स होते हैं उससे मैंने ये सभी मैनेज की हुई है ये ड्रॉअर। तो यहाँ पर सिर्फ थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, एसी का रिमोट वगैरह, हाथों की क्रीम इस तरह से रखी हुई है। और ये इस वाले ड्रॉअर में जो है मेरे हस्बैंड का ऑफिस का जो भी सामान होता है, बैग्स वगैरह, वो वहाँ पर होती है, काफ़ी बड़ी वाली शेल्फ है वो। और इस तरह से है ये व्यू। और इस वाले ये जो बेड है, ये मैंने दो बेड जोड़कर बनाई हुई है, तो ये है वो। और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस तरह की जो बैग्स है वो मैंने इस तरह से बेड में रखी हुई है। तो साड़ियों के लिए तीन बैग्स है, बच्चों के कपड़े हैं दो बैग में, और कुछ समर के और विंटर के कपड़े जो होते हैं वो रखे हुए हैं। तो उस तरह से मैंने ये वाली जो यहाँ पर रखी हुई है वो जगह मैंने बस उन्हीं कपड़ों के लिए रखी हुई है। और बेड के नीचे ये इस तरह से मैंने बच्चों के स्टडी टेबल्स जो होते हैं बैठकर स्टडी करने वाले, वो तीनों के टेबल्स इस तरह से रखे हुए हैं। तो यह इस तरह से रखने से जगह पूरी यूज़ होती है, क्योंकि आप देखते ही हो कि मेरा घर भी बिल्कुल इतना बड़ा नहीं, छोटा है 1 BHK। तो इसी हिसाब से मैंने ये सभी मैनेज करके रखा हुआ है। तो ये है मेरा बेडरूम का टूर, आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये लाइट्स ऑन करके मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अभी दिवाली रेडी किया है मेरा घर। तो दिवाली में मैं किस तरह से घर में लाइटिंग्स करती हूँ और किस तरह से साफ़ सफाई करती हूँ, घर किस तरह से दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइट्स ऑन करके पहली वाली जो क्लिप थी वो थी, और अब जो है मैंने यहाँ पर लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर दी है, और फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा। इस तरह से जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है यही मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पर ये है गणेश जी दिया होल्डर, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। और ये मैंने घर पे ही DIY बनाया हुआ है, फ्लावर्स मैंने बाहर से परचेस किए हैं, ऑनलाइन परचेस किए हैं। तो इस तरह से है मेरी बेडरूम, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।